हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके व्हाट्सएप पर किसी का नजर है या आपके व्हाट्सएप को किसी हैकर ने हैक कर लिया है और आपके यूज करते करते कोई और भी आपके व्हाट्सएप को देख रहा है, तो आप इजीली कैसे उसको कंट्रोल करोगे, कैसे आप पता करोगे कि आखिर मेरे व्हाट्सएप को कौन चला रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर चीज बताने वाला हूँ। 3 टिप्स मैं दूंगा ऐसे कि आप इजीली पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप सेफ है या नहीं, या कोई आपके व्हाट्सएप को कहीं और चला रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सिंपली हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद में यहाँ सबसे ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पर व्हाट्सएप वेब, यानी जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका ऑलरेडी कोई पीसी में कंप्यूटर में अगर स्कैन करके रखा है या इसका क्यूआर कोड स्कैन करके रखा है, आपको पता ही होगा ये स्कैन करने के बाद में आपका व्हाट्सएप का कंट्रोल कोई और भी कर सकता है। तो अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका व्हाट्सएप हैक है और कोई अनदर आदमी भी इसको चला रहा है। तो सिंपली अभी तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर किसी और के कंप्यूटर में चलेगा या तो लैपटॉप में चलेगा तो यहाँ पर लास्ट सीन भी आपको शो करने लगेगा। तो समझ लीजिए आपका व्हाट्सएप सेफ है। उसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आना है आपको सेकेंड यहाँ पर चैट्स में। चैट्स में जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर चैट बैकअप। अगर चैट बैकअप में यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल अकाउंट, यहाँ पर अगर किसी ने अपना गूगल अकाउंट दे रखा है तो समझ लीजिए कि आपका व्हाट्सअप हैक है। तो यहाँ पर जब भी किसी का अगर लगता है कि कोई अपना अकाउंट दिया हुआ है तो इसको इजीली तुरंत इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अपना व्हाट्सअप को यहाँ से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में यहाँ से बैक आ जाइए। तो ये करने के बाद ये 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके अकाउंट्स में आना है। अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 2-स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपको इनेबल रखना है। अगर आपका इनेबल है तो आपका कोई भी बंदा इस व्हाट्सएप को कितना भी चाहे वो हैक नहीं कर सकता है, और हैक करके यूज़ भी नहीं कर पाएगा। हैक करने की कोशिश भी करेगा तब भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो मैंने मेथड बताया, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन बताए, इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका कोई और व्हाट्सएप चला रहा है कि नहीं चला रहा है। दूसरा, अपना सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर आपका जो भी जिसे मैंने बताया था कि जीमेल आईडी डाल के अपना वो आपका सारा चैट बैकअप लेके आप पता कर सकते हैं कि आपने किसने किससे चैट किया। तो इतनी छोटी सी वीडियो में मैं बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।